अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा सारा हमारा चैनल सारा डज किचन एंड व्लॉग से। तो आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं हम मोहब्बत का शरबत। तो मेरे अंदाज में फिर शुरुआत करते हैं मोहब्बत का शरबत बनाने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट गर्मियों में तो ज़रूर बनता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये ड्रिंक पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं मोहब्बत का शरबत बनाना। तो सबसे पहले इस शरबत को बनाने के लिए हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। ये तरबूज है तो कम से कम आधे से आधा ये कट कर लेंगे और इसके बारीक चंक्स बना लेंगे। तो ये छोटे छोटे से हमने चंक्स कट कर लिए हैं तरबूज के। अब हम एक भगोना लेंगे। अब हम एक गिलास दूध लेंगे, ये बड़ा गिलास है तो ये एक गिलास दूध हम इसमें डाल देंगे। ये हम तुक मलंगा है, ये पेट के लिए बहुत ठंडा होता है और इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, तो गर्मियों में ये बहुत फ़ायदा करते हैं। तो इसको हमने आधे घंटे पहले भिगो दिया था। ये एक ब्लैक कलर की सीड होता है, यानी बेसिल सीड्स है, तो इसको भिगो दिया था और इसको इस दूध में हम डाल देंगे। इसको शामिल करते हैं। ये एक चम्मच मैंने भिगोया था तो ये उसमें डाल देंगे। अब हम ये जो चंक्स कटे हुए हैं इनको डाल देंगे। अब एक गिलास दूध में, क्योंकि वाटरमेलन भी है, कुछ चंक्स पड़े हुए हैं और बेसिल सीड्स भी पड़ा हुआ है, तो इसमें दो चम्मच हम रूह अफ़ज़ा लेंगे और वो इसमें डालेंगे दूध में। आप ज़रूर बनाइएगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें बर्फ की अगर क्यूब्स डाल दी जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बर्फ अभी इसमें हम डालेंगे। तो ये देखिए शरबत हमारा तैयार हो चुका है। इसमें तरबूज के ब्लैक बीज आ गए थे तो उनको निकाल दिया गया है। अब ये देखिए देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी एनर्जेटिक ड्रिंक है। आप ज़रूर बनाइए, गर्मियों में ज़रूर बनाइए। अब इसे बर्फ के कुछ क्यूब्स डाल देते हैं, इसे थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अगर और मीठा है आपको करना है तो इसमें शुगर डाल सकते हैं आप। तो इसको थोड़ी देर ठंडा करेंगे और फिर सर्व करेंगे और फिर आप इसको पीजिए। तो आपको ये शरबत कैसा लगा आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी है और मिनरल भी है। तो देखिए अभी एक दो बीज इसमें रह गए हैं, उसको निकाल देते हैं, फिर आपको ग्लास में डाल के दिखाते हैं इसका व्यू पास से। तो ये हमारा शरबत तैयार हो चुका है। ये देखिए, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नया कुछ लेकर, कुछ ठंडा, कुछ गर्म, कुछ नमकीन, कुछ खट्टा, कुछ मीठा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।